बड़े लीडर्स में और आना अदनान मुदस्सर बहरिया टाउन कराची से। आज बहरिया टाउन में बनने वाले सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सारे प्रोजेक्ट्स को तो खैर कवर करना इतना आसान नहीं है एक ही वीडियो क्लिप के अंदर। मैं कमेंट करूंगा चंद एक उन प्रोजेक्ट्स के बारे में जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ सेल्स भी अच्छी हो रही हैं और जो बिल्डर्स काबिल एतबार तरीके से क्रेडिबिलिटी भी अपनी बना चुके हैं और काम भी कर रहे हैं और मज़ीद डिलीवर करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने रखूंगा अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जिसमें से अभी आजकल जो मार्केट में सरे फहरिस्त इनका प्रोजेक्ट चल रहा है वो ए क्यू बाज़ार के नाम से है, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे ग्राउंड फ्लोर पे छोटे बड़े साइज़ की शॉप्स हैं और बड़ी महदूद सी डाउन पेमेंट के साथ आप लोग यहाँ पर छोटी सी दुकान के मालिक बन सकते हैं। 3 साल के इस इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक आप लोग यहाँ पेमेंट्स करके इस इंस्टॉलमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं और ये हर 6 माह के बाद आपने इंस्टॉलमेंट अपनी जमा करवानी है। इसमें पार्किंग के कुछ अलग पैसे रखे गए हैं और मतलब फर्स्ट फ्लोर वालों के लिए या ग्राउंड फ्लोर वालों के लिए। तो बिल्कुल इसी तरह अबुल कासिम रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के जो इससे पहले वाले प्रोजेक्ट्स थे वो आज किस स्टेज पर हैं, किस तरह से हैं, इसके लिए भी हम मंथली अपडेट्स देते रहते हैं आपको। और इस मंथली अपडेट के अंदर हम कोशिश करते हैं कि ऑन साइट विज़िट करने के बाद आप लोगों के सामने ये बात रखी जाए कि इस किस प्रोजेक्ट पे कितना काम हो चुका है। लाइक अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी का काम जो ऑन साइट चल रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ भी आपको जाके साइट्स विज़िट करवाएँ, वहाँ बताएँ कि किस लेवल तक ये सारी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। इसके अलावा एक्यू हाइट्स और अब्दुल समद और अबुल कासिम के जो सबसे पहले वाले प्रोजेक्ट जो मेन जना एवेन्यू के ऊपर हैं, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स किस तरह से चल रहे हैं, उसमें ऑफिसेज बन चुके हैं, लोगों को रेंट आउट हो रहे हैं, पोजेशन मिल रहा है और कुछ प्रोजेक्ट्स पोजेशन मिलने के करीब हैं। और बिल्कुल इसी तरह एक्यू सुपरमार्केट का प्रोजेक्ट था, एक्यू सुपरमार्केट पे कंस्ट्रक्शन जोरों शोर से चल रही है और मतलब आप सबके सामने कि तकरीबन यानी 1 साल भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ हमने इस प्रोजेक्ट को सेल किया था और आज इस पे काम शुरू हो चुका है और जैसे ही 1 साल कंप्लीट होगा तो हम किसी अच्छी प्रोग्रेस पे होंगे। इसके बाद मैं डोमिनियन बिल्डर्स का नाम लेता हूँ, इकबाल बिल्डर्स, डोमिनियन स्टेट एंड बिल्डर्स, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं माशाल्लाह सक्सेसफुली मार्केट में सेल होते हैं। वो ये डोमिनियन फूड स्ट्रीट या अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट हो या इसके साथ साथ डोमिनियन द ग्रैंड के नाम से जो मेगा प्रोजेक्ट दिया और इसके अलावा भी जो प्रिसिंक्ट 1 में डोमिनियन लग्जरी अपार्टमेंट के नाम से दे रहे हैं, तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे पेस से सेल हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये होता है कि ये लोग ऑन साइट काम कर भी रहे हैं या नहीं, या किस स्टेज पर काम पहुँच गए। तो इसमें मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डोमिनियन शॉपिंग मॉल जो इनका ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट था और एक रिकॉर्ड किस्म की सेल रही है इसकी मार्केट में, कि मेरा ख्याल है कि विद इन अ मंथ ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो बड़े अग्रेसिव तरीके से मार्केट में सेल हुआ था और इस प्रोजेक्ट को शायद बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली मार्केट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये बड़ा अच्छा डिसेंट और बड़ा बजट फ्रेंडली किस्म का प्रोजेक्ट था जिसको हम सब ने सेल किया। खैर जहाँ पे पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स PPL भी एज ए सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी अपना रोल प्ले करती है, मार्केट में जो भी नई प्रोडक्ट आती है, जो भी नई मतलब इस तरह की डील लॉन्च होती है उसमें अपने शेयर के मुताबिक हम लोग आप लोगों को सर्विसेज देते हैं। तो इसी तरह हमारे अलावा भी जो भी मार्केट में काम करने वाले सारे दोस्त हैं, सब लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से डील किया और बहुत अच्छा मैं समझता हूँ कि अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स थे इस प्रोजेक्ट के। और इसमें आज कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, आप लोग देख सकते हैं कि अबुल कासिम का जो यानी ये जो एक्यू मॉल एंड रेजिडेंसी और इसके बिल्कुल साथ डोमिनियन शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट ये ज़ोरों शोर से ज़ेरे तमीर है, वहाँ काम हो रहा है। इसके अलावा जो डोमिनियन बिजनेस सेंटर 1, डोमिनियन बिजनेस सेंटर 2 और डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 के प्रोजेक्ट्स थे, इसमें डोमिनियन बिजनेस सेंटर 3 पे भी काम शुरू नहीं हुआ लेकिन सॉइल टेस्ट वगैरह या इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे बिल्कुल ये भी मैं बात आपके सामने रखूँगा कि इसकी जो डोमिनियन फूड स्ट्रीट और अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट था इस पर भी बहुत अच्छा काम हुआ और ऑन साइट मतलब इन्होंने सॉइल टेस्ट वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। लेकिन बहुत जल्द जिस तरह से इनकी क्रेडिबिलिटी है इसको भी शुरू कर देंगे। अब इसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में और इसके अलावा चल रहे हैं, प्राइवेट या UBN का प्रोजेक्ट था या यहाँ पे डाउनटाउन वालों ने प्रोजेक्ट्स किए, अली से क्लैन के प्रोजेक्ट हैं, अतर एसोसिएट के हैं, प्रिज्म के हैं, प्रॉपर्टी लेजेंड के हैं, मतलब जितने भी लोगों के प्रोजेक्ट्स थे माशाल्लाह आज बड़े ज़ोरों शोर से बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये ऑन साइट चल रहे हैं। और इन सारे प्रोजेक्ट्स में
मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब बुकिंग हो रही होती है तो फिर मेरा ख्याल है कि चंद एक लोग ऑथोराइज़ होते हैं या चंद एक लोगों को ऑथोराइज़ किया जाता है कि आप इस प्रॉपर्टी को, इन प्रोडक्ट को सेल करें। लेकिन जब रीसेल का मामला आता है तो मैं ये समझता हूँ कि वो ये GM वाली बिल्डिंग हो, वो डोमिनियन वाली हो, या वो कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हों, वो AB टावर हो, या इसमें जिस तरह से मैंने अथर एसोसिएट के प्रोजेक्ट्स का नाम लिया जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर यहाँ पे JTC जिना ट्रेड सेंटर के नाम से बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो तोहीद स्क्वायर के बिल्कुल सामने है, मेन गेट के पास है। इस तरह के प्रोजेक्ट में अगर आप लोग रीसेल भी करना चाहें तो PPL ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेल किया हुआ, हमारे पास इसकी इन्वेंट्री भी है, रीसेल में भी आप लोग ये चीज़ें हमारे पास कंसिडर कर सकते हैं। और अच्छी प्राइस लेने के लिए आप लोग मार्केट से भी रेट्स लिया करें और हमारी टीम से भी हेल्प ले सकते हैं आप लोग। तो बिल्कुल इसी तरह ये AB टावर के नाम से जो प्रोजेक्ट है, जो आलियान स्टेट और भवानी स्टेट का गालबन ये प्रोजेक्ट था, आज इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है। इन्होंने ये प्रोजेक्ट डिले ज़रूर किया लेकिन आज बिलाखिर यहाँ पर काम हो रहा है, 2-3-4 फ्लोर इसके बन गए और वो टाइम दूर नहीं है जब ये लोग बहुत जल्द शायद इसको कंप्लीट करके पोजेशन दे देंगे। लेकिन लोकेशन वाइज इट्स एन अमेजिंग बिल्डिंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन है, मेन गेट से अंदर दाखिल होती है, प्लॉट नंबर 2 के ऊपर ये बिल्डिंग बन रही है। यहाँ पर रीसेल में हमारे पास चंद एक ऑफिसेज अवेलेबल हैं जो मेन जिना एवेन्यू को फेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी इन्वेंट्री है। अगर आप लोग इसको अवेल करना चाहें, एडजस्टमेंट करवाना चाहें अपनी फाइल्स की, तो लिमिटेड टाइम के साथ आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। UBN ट्रेड टावर हमने बड़े अग्रेसिव तरीके से मार्केट किया था, बड़े अग्रेसिव तरीके से उसकी सेल की, आज मार्केट में रीसेल पे हम उसको बड़ा अच्छा तरीके से लेके चल रहे हैं। उसमें खैर अभी यूनिट्स हमारे पास बुकिंग में कुछ भी नहीं है, लेकिन वंस अगेन रीसेल में जो दोस्त जिन्होंने हमारी सर्विसेज ली, हम पर ट्रस्ट किया और इसमें बुकिंग करवाई, मर्जिंग करवाई, आज वो लोग अगर रीसेल करना चाहें, यू आर मोस्ट वेलकम एट PPL के आप लोग विद एप्रिसिएशन, विद इंसेंटिव, विद प्रॉफिट आप लोग PPL टीम के ज़रिए अपनी प्रॉपर्टीज़ को रीसेल कर सकते हैं। तो देखिए यही चीज़ आफ्टर सेल सर्विसेज में मैं काउंट करता हूँ कि जब आप किसी भी अपने कस्टमर को एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उसके बाद में एप्रिसिएशन के साथ अगर उसकी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, तो आई थिंक इट्स गुड इनफ कि आपको फीडबैक मिल रहा है और इसी चीज़ का नाम आफ्टर सेल सर्विसेज है। क्या आपकी इंस्टॉलमेंट जमा करवाने में हमारी टीम आपको असिस्ट कर रही है, आपको ऑन साइट वीडियोज़ दे के, अपडेट्स दे के, इस प्लाजा की, इस बिल्डिंग की अपडेट दे रहे हैं कि आज इसकी 9 स्टोरी तक कंस्ट्रक्शन हो चुकी है या 8 स्टोरी तक हुई है, मतलब किस स्टेज तक काम जा चुका है, इन सारी चीज़ों की हम लोग अपडेट देते रहते हैं। तो मज़ीद मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा जिना एवेन्यू पे बेशुमार प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें मार्स एसोसिएट वालों के बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हैं, जिसमें जिना हाइट्स के नाम से ये प्रोजेक्ट है। इसके अलावा थीम पार्क कमर्शियल में बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लिबर्टी कमर्शियल में, मिडवे कमर्शियल में, और इसके बाद अब ओल्ड कमर्शियल जो प्रीसिंक्ट 10 का कमर्शियल है वहाँ पे भी, और अली ब्लॉक में खासकर ये जो कमर्शियल प्लॉट्स आए हैं, इन प्लॉट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ अपने दोस्तों को कि जो दोस्त यहाँ पर छोटे स्केल पर प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी नीचे ऑफिसेज, शोरूम या दुकानें और ऊपर अपार्टमेंट बना के बेचना चाह रहे हैं, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अली ब्लॉक के सराउंडिंग में जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसको कंसीडर करें। और अली ब्लॉक में बहुत सारे लोगों की तवज्जो सिर्फ ग्रैंड मस्जिद को जो फेस करते हुए प्लॉट हैं, सिर्फ उसकी तरफ आपकी तवज्जो है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा वो जो एवेन्यू 17 है जहाँ वो लंदन ब्रिज बना हुआ है उसके करीब या उसको फेस करते हुए जो प्लॉट है, दैट्स एन अमेजिंग ऑप्शन, अमेजिंग किस्म की वो लोकेशन बनेगी। और एवेन्यू 17 की इंपॉर्टेंस मैं हमेशा से बताता हूँ कि एवेन्यू 17 वो एवेन्यू है जो बहरिया टाउन को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी 2 टुकड़ों में तकसीम कर रहा है। एक तरफ वो बहरिया पैराडाइज के प्रोजेक्ट से होता हुआ कठोर की तरफ जाएगा और दूसरी तरफ ये जो एवेन्यू है ये कट करता हुआ बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ जाकर निकलेगा। तो लिहाजा अगर मैं ये कहूँ कि ये एवेन्यू 17 के गिर्द जो भी कमर्शियल प्लाजाज आएंगे या कमर्शियल बिल्डिंग्स आएंगी, वो उनकी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी आने वाले टाइम में, जिस तरह जिना एवेन्यू की इस टाइम इंपॉर्टेंस है तो उस जगह की भी होगी। तो ये मेरी स्टेटमेंट गलत नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि आने वाले टाइम में एवेन्यू 17 विल बी अ प्रोमिनेंट एवेन्यू इन बैरियर टाउन कराची। इसी तरह आने वाले टाइम में जिस तरह मैं कमर्शियल हब्स की बात करता हूँ कि ये जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम है इसके गिर्द एक बहुत ज़बरदस्त कमर्शियल आएगा और डांसिंग फाउंटेन के गिर्द आएगा, ग्रैंड मस्जिद के सामने कमर्शियल आएगा, फिर आईफल टावर के इर्द गिर्द कमर्शियल आएगा। लेकिन ये जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं इसके मामले में एक चीज़ देखिएगा कि ये एक प्रेशर गेम आती है या एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है कि जब आप इसके अंदर बाइंग कर रहे होते हैं या कोई डील नहीं लॉन्च होती है तो वो अनबिलीवेबल किस्म के रेट्स
ओन प्रीमियम प्रॉफिट डिमांड करना शुरू कर देते हैं लोग, तो इन चीज़ों से आप लोग अवॉइड किया करें। आप लोग कोशिश किया करें कि जेन्युइन प्राइस पे एंड यूज़र के तौर पे जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं तो आप बड़े कूल माइंडेड रह के प्रॉपर्टी परचेज़ किया करें। मतलब इस तरह से नहीं है कि दिन के वक्त रेट और है और रात के वक्त और है। तो वंस अगेन पे मेरी सजेशन ये होती है कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, ये कोई और ही चीज़ है जो हम लोग सुबह शाम के भाव इसके बदल के या बढ़ा के या आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करके चीज़ें बेच रहे हैं। तो ये तो स्लो एंड स्टडी प्रोसेस होता है, ये तो बड़े ठंडे दिमाग की गेम है कि अगर रियल स्टेट में आपने कामयाब होना है। अगर देखें आप महंगा प्लॉट ले लेंगे, कमर्शियल प्लॉट ले लेंगे और फिर कल को कंस्ट्रक्शन करके एक प्रोजेक्ट आप मार्केट में ला रहे हैं, बेचने के लिए आ रहे हैं, तो आपका पर स्क्वायर फिट कॉस्ट और पर स्क्वायर फिट रेट ही मैच नहीं करेगा। तो आप लोग वो प्रोजेक्ट मार्केट में बेच के किस तरह से एक हैंडसम किस्म का प्रॉफिट कैसे कमा लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो उन सारे दोस्तों के सामने मैं यही चीज़ रखता हूँ कि ये सोच समझ के करने वाले फैसले हैं, ये ओवर द नाइट फैसले नहीं होते। इसके ऊपर पूरी रिसर्च करें। अभी मेन जिना एवेन्यू के ऊपर जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं 533 गज के, 500 गज के, इन प्लॉट्स की आजकल काफ़ी अच्छी डिमांड चल रही है। मेन जिना एवेन्यू के ऊपर ग्राउंड फ्लोर के ऑफिस की बहुत अच्छी डिमांड चल रही है। और वंस अगेन हर उस प्रोजेक्ट का इंतखाब करें आप लोग जहाँ काम हो रहा है या हो चुका है या ग्रे स्ट्रक्चर में अवेलेबल है या जो जिन लोगों का नाम अच्छा है, जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। इसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं कि मेन जिना एवेन्यू के एक तो फ्रंट के प्लॉट हैं जिन्हें जिना एवेन्यू कमर्शियल कहा जाता है। इसी जिना एवेन्यू कमर्शियल के बिल्कुल बैक साइड पर अभी 250 गज के कमर्शियल प्लॉट दिए गए हैं जो कि 10 करोड़ रुपये की कीमत के साथ दिए गए हैं। और ये वाले प्लॉट्स काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि ग्राउंड प्लस 8 या ग्राउंड प्लस 12 स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन है। वंस अगेन अगर सिंगल प्लॉट होगा तो 8 स्टोरी तक, अगर दो प्लॉट होंगे यानी पेयर बनेगा तो ये 12 स्टोरी तक आपको परमिशन मिलेगी। और पार्किंग प्लाजाज भी इसी के अंदर जो है स्पेसिफिक दे दिए गए हैं कि वो बैरिया इसकी कंस्ट्रक्शन खुद करेगा या प्राइवेट लोगों को ये बेच देगा जो लोग ये पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या किस तरह होगा, इसके लिए भी बैरिया के बायलॉज या SOPs नहीं आई। लेकिन कमर्शियल में जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको पार्किंग के बारे में ज़रूर सोचना है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के मुताबिक बैरिया टाउन में आने वाले जितने भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होंगे उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ गाड़ियों की पार्किंग का होगा। तो यहाँ पे कार पार्किंग के लिए जो पार्किंग प्लाजाज डिज़ाइन किए जा रहे हैं ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल बायलॉज के मुताबिक इसको फुलफ़िल किया जाएगा। इसके मुताबिक बैरियर टाउन पूरी कोशिश करेगा कि अपने मौतबर कस्टमर को चीज़ें इस तरह से प्रोवाइड करता चला जाए। लिहाजा आप लोग प्राइवेट बिल्डर्स के साथ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करें, शॉप में करें, ऑफिस में करें, दुकान में करें, किसी भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप लोग मार्केट में प्रॉपर रिसर्च जरूर कर लें। और मैं हमेशा ये कहता हूँ यू मस्ट हैव 5 रियल एस्टेट फ्रेंड्स इन द मार्केट, यू हैव टू गेट एन आइडिया अबाउट द पीपल, अबाउट द बिल्डर्स जो यहाँ पर काम कर रहे हैं और अबाउट द वो वाली प्रोडक्ट जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इट्स नॉट अ स्मॉल डिसीजन, इसमें आप ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाने जा रहे हैं। तो इसमें मैं हमेशा आप लोगों को मशवरा देता हूँ कि प्रॉपर रिसर्च और मशवरे के मुताबिक काम किया करें। और जिस तरह हम लोग एडवाइस करते रहते हैं इस तरह हमारी तरह बहुत सारे दोस्त हैं माशाल्लाह जो आजकल ऑनलाइन सोशल मीडिया पर एडवाइस कर रहे हैं। सारे दोस्तों को सुना करें, देखा करें और फिर अपनी अकल के मुताबिक कहीं ना कहीं जहाँ आपका दिल ठहर जाए वहाँ पर डिसाइड कर लिया करें। थैंक यू सो मच।